जी दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको ये पता चलने वाला है कि 3 दिन रह गए हैं लास्ट डेट में और आपकी रजिस्ट्रेशन हुई है या नहीं हुई। जी 15 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है, पहली बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी बात, रजिस्ट्रेशन चेक करने का तरीका बहुत ही आसान है। उससे पहले मैं एक बात आपको क्लियर कर दूँ कि मुझे अफवाहें ये सुनने में आ रही हैं कि लोग कह रहे हैं कि एक मैसेज के भेजने पर 8 से 10 रुपये लगते हैं और हुकूमत गरीबों को लूट कर पैसा इकट्ठा कर रही है। ऐसी कोई बात नहीं है। आप ये सबूत कैसे देख सकते हैं? 8171 पर SMS भेजने से पहले अपना बैलेंस चेक करें और SMS भेज लेने के बाद बैलेंस चेक करेंगे तो आपका 1 रुपया ही कटा होगा, क्योंकि ये एक मैसेज के सर्विस चार्जेज हैं। ठीक है, दूसरा सबूत, आपको पता तो है कि हुकूमत ने पैसे देना तो शुरू कर दिए, तो ये बात तो वाकई झूठी हो गई कि पैसे नहीं देने हुकूमत ने। अब हम चलते हैं उस तरीके की तरफ। आपने करना क्या है, गूगल में आपने लिखना है एहसास। तो ये देखें, आपने एहसास डबल ए वाला लिखना है .nadra.gov.pk, ये क्लिक यही लिखना है, वरना आप किसी फेक नकली हो या गलत वेबसाइट पर चले जाएंगे जहां पर आपके डाटा का गलत इस्तेमाल हो सकता है। ये क्लिक करने के बाद आप हुकूमत पाकिस्तान के ऑफिशियल पेज पर आ जाएंगे, उसकी अपनी वेबसाइट पर आ जाएंगे, जहां पर आपने क्या करना है, अपना शनाख्त कार्ड नंबर लिखना है और उसके बाद ये जो कोड दिया हुआ होगा आपको तस्वीर में, ये वाला कोड लिखना है। आप नोट कर सकते हैं कोड गलत मैच किया हुआ है, तो मैं वही कोड लिखूँगा तो फिर आगे तस्दीक होगी। तस्दीक हो जाने के बाद आपको मैसेज मिलेगा अगर आपकी रजिस्ट्रेशन हो चुकी हुई क्या, तो आएगा कि आप रजिस्टर हो चुके हैं और मैसेज का इंतज़ार करें, वरना आप चले जाएंगे नए पेज पर जहां पर आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा ख़ुद को। तो बाज़ औक़ात होता है 8171 पर मैसेज हो जाने के बाद भी रजिस्ट्रेशन नहीं होती तो आपको यहां पर रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है। उसका रजिस्ट्रेशन का तरीका क्या है वो आपको आसानी से समझ आ जाएगा। अगर नहीं समझ आता तो ऊपर जो ये वीडियो आई बटन में अभी ये पट्टी आ रही, इसको क्लिक करके वो तरीका देख लें और फिर इसी वेबसाइट पर आकर आप ख़ुद को रजिस्टर करवा लें। तो हम देखते हैं कि तस्दीक कर लेने के बाद जो नया मैसेज आता है वो क्या आता है हमें। जी दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि तस्दीक करने पर जब मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर आ गया शनाख्त कार्ड नंबर, ऊपर शनाख्त कार्ड का वो नंबर दिया हुआ है। एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम के लिए आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवा चुके हैं, आपकी दरख्वास्त की तस्दीक के बाद आपको SMS के ज़रिए आगाह किया जाएगा। इसके बाद ये साबित हो गया कि इस शनाख्त कार्ड वाले नंबर ने तो रजिस्ट्रेशन करवा लिया है। अब अगर आपके पास दूसरा फॉर्म आएगा तो इसका मतलब आपकी रजिस्ट्रेशन नहीं हुई थी। ठीक है दोस्तों, सारी बात आपको समझ आ गई है। तो आपने पहले 8171 पर मैसेज भेजना है, उसके बाद आपने यहाँ पर रजिस्ट्रेशन की तस्दीक करनी है, और अगर तस्दीक हो जाए तो आप तसल्ली रखेंगे, वरना आप फॉर्म फिल करेंगे। वो फॉर्म फिल करने का तरीका मैंने आपको बताया था, पीछे जो बटन आया था उसको दोबारा आप वापस जाके क्लिक कर सकते हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें ताकि इस तरह के जो इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।